मैं ममता बनर्जी का ना पक्ष ले रही हूं ना किसी और का, अखिलेश यादव का, लेकिन जो त्यागी जी बोले हैं, त्यागी जी ने कहा कि उसमें सबसे ऊपर ममता बनर्जी होंगी, उनका खुद उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि 200 से ज्यादा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी, अच्छा हम समर्थन करेंगे लेकिन आप हमें यहां कीजिए। अखिलेश यादव उनकी पार्टी कहती है कांग्रेस यहां यूपी में एठल है। ये घमंड क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ेगा उन राज्यों में जहां आपकी जमीन लगभग खत्म हो चुकी है और जहां पर आप मजबूत हैं? ये लोग खुल के कह रहे हैं कि समर्थन करने को तैयार हैं। केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता हैं और वो जानते हैं ममता जी अखिलेश जी से उनके संबंध भी व्यक्तिगत हैं। ये सच्चाई को इनको स्वीकारना होगा कि कांग्रेस पार्टी कहां से कहां तक है, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कोहिमा से कच्छ तक। तो कांग्रेस पार्टी को केंद्र में रखे बिना कोई भी गठबंधन आप करते हैं वो गठबंधन जो है जनता के हित में भी नहीं है और भाजपा को हराना इसके बिना सच्चाई है मानव जी, एक सच्चाई है स्वीकारते हैं प्रियंका जी इसके बाद, और जहां जिसको ज्यादा और कम की बात है वो आएगी बात। कांग्रेस को लेकर क्या बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है आम आदमी पार्टी में या आप लोग ओपन है? क्योंकि ये सच्चाई है कि 19 में 209 सीटों पर नंबर 2 पर थी कांग्रेस। किसी ने कहा है कि एक हफ्ता भी बहुत लंबे समय होता है पॉलिटिक्स में, तो अभी 10 महीने पड़े हैं, एक मीटिंग हो गई है, बट ये कहने भी मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है कि कांग्रेस भी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और सारे कांग्रेस ही हैं जो वॉशिंग मशीन भाजपा में धुलने गए हैं, तो ये कहने में भी मुझे कोई डाउट नहीं। जब त्यागी जी पटना में बुलाएंगे तो फिर वहां पे भी ऐसे ही बात कीजिएगा। ये तो डेमोक्रेसी का एक अच्छा चलन दोबारा शुरू हुआ है, क्योंकि मोदी जी सिर्फ मन की बात करके जा रहे थे, कम से कम अब एक डायलॉग तो शुरू हुआ है, तो ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है, तो देखते हैं कि ये कैसे इवॉल्व करता है। ठीक है, बातचीत और कोशिश हो रही है, धीरेन जी क्या प्रॉब्लम है उसमें? उससे कहीं ना कहीं तो जब पानी निकलेगा तो बहेगा ही, कहीं रास्ता बनाएगा। अंजना जी, बात हो रही है या कोशिश हो रही है, ये अभी हम एकाही होने में जब इतनी परेशानी लोगों को है तो देश को ये क्या देंगे, क्या मजबूती देंगे? मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि अभी तो एक ही होने में कि कौन नेता होगा, कौन उसका नेतृत्व करेंगे, इसी में अभी मंथन चल रहा है और एक एक करके सिर्फ विष ही निकल रहा है, उसमें अमृत किसको मिलेगा, लड़ाई इसकी हो रही है। यहां पे देखिए सभी लोगों का प्रयास हो रहा है कि किसी तरह से देश में प्रधानमंत्री बना दे दूसरा किसी व्यक्ति को। देश आज इतना कमजोर है क्या कि उनको खिचड़ी सरकार चाहिए? ऐसे स्थिति में कांग्रेस को आज ही भी देखिए कि कोई दूत भेज रहे हैं, दूत का भूत भी अभी नहीं उतरा है। सपा अलग दूत भेज रही है, ममता दीदी अलग दूत भेज रहे हैं, शिवसेना से भी कोई दूत जा रहा है, तो नेता तो लोग जा ही नहीं रहे उनके मंच पे। इसके बावजूद अगर ये लोग चाह रहे हैं कि प्रयास हो जाए कि प्रधानमंत्री बन जाए, उनके पास कौन कैसे कौन नेतृत्व करेंगे, क्या उनकी नीति होगी? देश आज इतना कमजोर स्थिति में है क्या? और देश के लोग इनके गठबंधन को बनाने के प्रयास को समझ रहे हैं? ये सब होने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे चुनाव के समय आएंगे और देखिएगा जस्ट पलटेंगे ही। चुनाव के समय आते आते देखिएगा भी हम लोग के साथ हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये आपके आपके वाला नहीं है कि मलाई खाने के लिए कहीं भी चले गए। सुधांशु जी, आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दे दीजिए, क्योंकि एक बात तो तय है कि कई नदियां हैं, अलग अलग तरह से आएंगी, एक साथ करेंगी, अगर धार तेज हो गई तो फिर मुश्किल होगी 24। पहले एक पंक्ति बता देता हूं कि जो कहा गया गरीबों के लिए सर, गरीब और अमीर की बात होगी, मान्यवर वो जमाने गए, अब देश की जनता बहुत पढ़ी लिखी हो गई। गरीबों की राजनीति करने वाले नेता आज इस देश के सबसे अमीर नेता है। गरीब गुरबा की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव जी का परिवार गरीब बिहार का सबसे अमीर परिवार है। मजदूर और किसान की बात करने वाले मुलायम सिंह जी के परिवार के पास उत्तर प्रदेश में दौलत बेशुमार है। दलित और द्रविड़ की बात करने वाले डीएमके के पास पैसे का अंबार है, और जिनके 15 एसी शीला दीक्षित जी के घर में देखकर झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए रूह कांप जाती थी, उस अरविंद केजरीवाल जी के घर में 45 करोड़ रुपए की बहार है। इसलिए अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी तरफ आने वाली धार है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, बहुत छोटा सा कमेंट, छोटा सा, टाइम खत्म हो रहा है, छोटा कैसे लाऊं घर के मैं जमुना। एलजी सर को वो 10 लाख का सूट पहनकर, वो उनको जो प्रोटोकॉल के तहत अरविंद जी को राजनिवास अलॉट हुआ था, उन्होंने मना कर दिया था और एलजी को दे दिया गया था, उनके साथ घर शेयर कर लेंगे। सुधांशु जी ऐसा कर दीजिए, आप हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। सुधांशु जी, सुधांशु जी के पास गए हैं तो एक और है, 17% कम्युनिटी तो जो थी लिंगायत कम्युनिटी, वो भी नाराज हुई है एम फैक्ट्री के अलावा कर्नाटक में।
आम आदमी पार्टी को कहना चाहिए था कि 45 करोड़ नहीं लगा, ये झूठा नहीं लगा, ये भी झूठा आरोप है सर, ये भी झूठा आरोप है सर। 15 एसी लगे 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है कि मेरी रूह कांप जाती है, हिंडन बस को बैन कर दिया यूएस ने, वो झूठ बोला था, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। कमरे में 15 एसी कैसे है? और सुनिए सर, आपने देखा 15 कमरों में झूठा प्रचार करती है भाजपा, जैसे भाजपा ने झूठ बोला कि हिंडनबर्ग यूएस में बैन हो गया, वैसे ही आप ये झूठ प्रचार करते हैं। सबको सर, मैं आपको कह रही हूँ, एलजी वाला घर हमें दे दीजिए, प्रोटोकॉल के तहत सीएम को वो मिलना था, एलजी ने जो ले लिया वो घर हमें दे दीजिए। अब उसका भी रेनोवेशन होगा तो पता नहीं फिर नहीं वो भी लग जाएंगे, थोड़ी अब जो इसका रेनोवेशन होगा उसी में रहिए। लेकिन यक्ष प्रश्न, एक सेकंड जल्दी से यक्ष प्रश्न, आप बताइए दोनों में से सही कौन बोल रहा है? सुधांशु जी सही बोल रहे हैं या प्रियंका जी सही बोल रहे हैं? इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए ना, वो बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जिस तरह ये लोग दिल्ली की जनता को धोखा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और फिर भी त्यागी जी को यकीन है कि पटना में आपको समझाएंगे यहाँ पर आप आम आदमी पार्टी पर प्रहार। सुनिए अंजना जी 2024 की बात है ना, 3% महंगाई है इंडिया में, पूरी इंडिया में 7% मिनिमम। तो हमें इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद।